नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा। नमस्कार, मैं हूं सुमित। और अगर बाजारों की स्थिति में डाला तो बाजार तो इंडेक्स मोरलेस एक फ्लैटिश नोट पे ही कामकाज कर रहे हैं। बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है, लेकिन जो बाकी ओवरऑल मार्केट की ब्रेथ है वो काफ़ी बड़ी। रादर अब जो गिरावट है वो थोड़ी सी और गहराई है इंडेक्स के अंदर भी। निफ्टी करीब करीब 3/4% नीचे आ चुका है और सेंसेक्स भी करीब करीब 1/4% नीचे कामकाज कर रहा है। 63 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। जो गिरावट गहराई है उसमें मेजरली इंडेक्स से ज़्यादा स्मॉल कैप मिड कैप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप देखिए स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 1.5% नीचे कामकाज कर रहा है, मिड कैप इंडेक्स भी करीब 1.5% नीचे कामकाज करते हुए। निफ्टी बैंक 0.5% नीचे है, लेकिन आज क्लियर कट परफॉर्मर एफएमसीजी स्पेस हो चुका है। जीएसटी की दरें तय होने के बाद एफएमसीजी स्पेस में एक बाइंग है और सबसे ज़्यादा जो इनफैक्ट सपोर्ट दे रहा है बाजार को या एटलीस्ट इस गिरावट को थाम रहा है वो आईटीसी है। वहाँ पर एक मेजर कंट्रीब्यूशन उसकी तरफ से आता हुआ करीब 3.5% के आसपास की बढ़त आईटीसी में देखने को मिल रही है। इसके अलावा फार्मा शेयर आज प्रेशर बना रहे हैं बाजार के ऊपर, जिसमें लुपिन, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला और सन फार्मा जो कि 28 महीनों के निचले स्तरों पर आ चुका है। तो फार्मा स्पेस में जोरदार बिकवाली देखने को मिल रही है। ट्रिगर भी है, एक तो जीएसटी जहां पर दरें बढ़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं, जिन्हें टैक्स बेनिफिट मिलते हैं वो वेव ऑफ हो सकते हैं, और दूसरा प्रोब की खबरें भी हैं। अमेरिका में प्रोब्स होने हैं प्राइसिंग को लेकर, जिसके आधार पर भी फार्मा स्पेस के अंदर कुछ प्रेशर देखने को मिल रहा है। औरबिंदो फार्मा 2%, डिशमन फार्मा 3%, ग्लेनमार्क फार्मा 4.5%, स्ट्राइड शासन कल की तेजी के बाद 4.5% नीचे, और टोरेंट फार्मा भी करीब करीब 0.5% नीचे कामकाज करते हुए। दिग्गज कंपनियां जैसे कि सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, लुपिन, वोकार्ड, इन सब में एक जोरदार बिकवाली आज के सत्र में देखने को मिल रही है। एब्सोल्युटली, चलिए इसी के साथ शुरुआत करेंगे आपका बाजार की इस सेशन की। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मानस जायसवाल हैं और साथ ही गौरांग शाह भी हमारे साथ आज के इस सेशन में मौजूद है, जो कि आपके सभी सवालों के जवाब लेंगे। आपके सवाल जवाब के सिलसिले शुरुआत करने से पहले गौरांग, सबसे पहले आपका स्वागत है इस शो में। आपसे जानना चाहेंगे सबसे बड़ा रिफॉर्म जिसे माना जाता है, उस जीएसटी की 4 दरें तय हो चुकी हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरे ख्याल से एक ऐतिहासिक बदलाव था ये। साक्षी सुप्रभात पहले तो आपको, और जिस प्रकार से सर्वसम्मति से कामकाज हो रहा है, और अगर दिसंबर तक जो भी यू नो सूचना जारी करनी है 1 अप्रैल 2017 को लेकर के लागू करने की, तो मैं मानता हूँ कि आने वाले 1-2 साल में अर्थव्यवस्था पर और आम आदमी के जनजीवन पर काफ़ी बढ़िया असर आ सकता है इसका, और अपनी जो विकास दर है उसमें भी योगदान काफ़ी बड़ा आ सकता है। जैसे आपने सही जिक्र किया, मेरे ख्याल से आज़ादी के बाद एक सबसे बड़ा रिफॉर्म है, और ये अच्छी बात है कि सहसम्मति से कामकाज हो रहा है। जी चले, तो आपको आपने राय सुनी गौरांग की, अभी भी जीएसटी के ऊपर भी मार्केट्स, लेकिन अभी भी मोर लेस फ्लैट टू नेगेटिव, रादर नेगेटिव टोन पे ही अब कामकाज कर रहे हैं। 1/14% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। सवाल जवाब का सिलसिला आप शुरू करेंगे, बातचीत करेंगे कुछ दर्शकों से भी। पहला सवाल लेते हैं हमारे साथ रादर ऋषभ, वहाँ से मौजूद भी हैं दिल्ली से। ऋषभ जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार ऋषभ जी, क्या सवाल आपका पूछिए? जी मेरे पास आईनॉक्स विंड के 100 शेयर्स हैं, 242 जी, उनको होल्ड करना चाहिए या अभी निकाल देना चाहिए? ओके गौरांग, सवाल आपसे ही होगा। आईनॉक्स विंड 242 पे खरीदारी है, 100 शेयर है, नतीजे आए थे इस तिमाही के और प्रेशर था नतीजों में, वो शायद शेयर में रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। इनकी खरीदारी से करीब करीब 35 रुपये नीचे काम काज कर रहा है, क्या राय रखते हैं आप? देखिए पहले तो जिस क्षेत्र से जुड़ा हुआ ये स्टॉक, वहां पर बहुत जल्दी सुधरने के आसार सुमित उभरते हुए नजर नहीं आते। दूसरी बात, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और जैसे तीसरी बात आप जिक्र कर रहे थे नतीजों को लेकर के, मेरे ख्याल से कोई उत्साह नहीं बन रहा है। मेरी राय में इस स्तर पर या उछाल पर बेच करके, अगर आप एक दूसरा विकल्प के रूप में इनको सुझाना चाहूँगा, टाटा मोटर्स का DVR, ऑफकोर्स ये टाटा और मिस्त्री दोनों गुट को लेकर के कुछ वाद विवाद रोजमर्रा आपको कुछ खबरें आती हुई दिखती है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि सभी कंपनियों का एक सक्षम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है और इंडिपेंडेंट है और प्रोफेशनल्स है और कामकाज में काफ़ी सक्षम है। तो अगर आप लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं तो ये गिरावट का फायदा उठा करके बदलाव करेंगे, लंबी अवधि के नजरिए से जो नुकसान हो रहा है आईनॉक्स में उसकी भरपाई बिल्कुल हो सकती है। जी बिल्कुल, चलिए अगले सवाल की तरफ भी जुड़ लेते हैं। हमारे साथ एक दर्शक हैं, मिस्टर रफीक हैं जयपुर से। रफीक साहब नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी, बताइए। मेरे पास 1000 दीपावली जेम्स है, 79 पे मैंने लिए हैं। 75 के भाव पर आपने लिए हैं, फिलहाल 71.80 का ये शेयर चल रहा है, 4 रुपए के आसपास का आपको नुकसान भी हो रहा है, लेकिन आप नजरिया क्या रखते हैं रवीक साहब?
कम से कम 2 साल का, 2 साल का आपका नजरिया। चलिए ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। गुड मॉर्निंग मानस, आपसे सवाल होगा यहाँ पर, खासतौर पर जिस तरीके से जीएसटी की दरों की बातचीत चल रही है जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के लिए, जो आज हमारे साथ एमओएस फाइनेंस जुड़े थे और उन्होंने कहा था 2-4% तक का टैक्स यहाँ पर लगेगा, क्या आपको लगता है टेक्निकली गीतांजलि जेम्स एक अच्छा पिक हो सकता है यहाँ से, और जीएसटी के नजरिए किसे? जी साक्षी, मानस आपसे हम राय लेंगे इसके ऊपर, लेकिन उससे पहले एक और अहम मेहमान हमारे साथ मौजूद है, कॉर्पोरेट से बातचीत कर लेते हैं जीएसटी को लेकर। हमारे साथ डाबर की मैनेजमेंट बातचीत करने के लिए मौजूद है, कंपनी के सीएफओ मिस्टर ललित मलिक हमारे साथ मौजूद है। मिस्टर मलिक नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सर, जीएसटी के रेट्स आ गए हैं और रेट्स की जो लोअर एंड है वो 5%, हायर एंड जो 28% तय हुई है, कितने सेटिस्फैक्ट्री नंबर्स हैं और कंपनी के लिए पर्टिकुलरली किस तरह का इम्पैक्ट आप इससे देख रहे हैं? आई थिंक जहां तक ये स्लैब्स का सवाल है, 4 स्लैब, 5, 12, 18 और 28, आई थिंक ये काफी रीजनेबल हैं और ये काफी महत्वपूर्ण भी होंगे, क्योंकि उन्होंने पहले जो रेट दिखाया था 6 से उसको उन्होंने 5 कर दिया है, तो ये आम आदमी के लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। हालांकि 26 का रेट को उन्होंने बढ़ाया है, जो कि हाई एंड प्रोडक्ट्स के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स होगा, तो ओवरऑल ये काफी पॉजिटिव लग रहा है। और साथ में ये भी एक कंफर्मेशन आ रही है कि द गवर्नमेंट इज रेडी फॉर इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम 1 अप्रैल, तो ये पॉजिटिव है। हालांकि अगर हम अपनी कैटेगरीज की बात करें तो हमें अभी स्टिल वेट करना पड़ेगा टू गेट एग्जैक्टली कि हमारे प्रोडक्ट्स किस कैटेगरी में आएंगे और उसके बेस पे इम्पैक्ट का पता लगेगा। लेकिन ओवरऑल जिस हिसाब से कम्युनिकेशन हमारे आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर ने कल किया है, उसके बेस पे उम्मीद है कि ये एक टैक्स न्यूट्रल इम्पैक्ट और ओवरऑल इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल इम्पैक्ट होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। मगर 10 तारीख तक हमें एग्जैक्ट रेट भी पता लग जाएंगे और हमें एग्जैक्ट उसका अनुमान भी हो जाएगा। जी मिस्टर मलिक, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि काफी रीजनेबल टैक्स स्लैब्स आपको नजर आते हैं और हो सकता है आगे जाते हुए ये भी एग्जैक्ट पता चल पाए कि कितना बेनिफिट आपको अपनी कंपनी के ऊपर से देखने को मिलेगा, पर ऑन द होल एफएमसीजी सेक्टर के लिए जिस तरीके से हम एनालिस्ट रिपोर्ट्स पता चल रही है, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कह रही है कि सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो सेक्टर रहेगा वो एफएमसीजी रहेगा। जी देखिए, आई थिंक ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि सिनारियो टैक्स न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन ये सही है कि कुछ कैटेगरीज में बेनिफिट हो सकता है और कुछ कैटेगरी में एडवर्स भी हो सकता है, मगर ओवरऑल सिनारियो में ये एक टैक्स न्यूट्रल अप्रोच जो गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की है तो वो होना चाहिए। कुछ इंडस्ट्रीज में बेनिफिट होगा, कुछ में कुछ एडवर्स होंगी, मगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये बैलेंस आउट हो जाएगी। साथ ही साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि अभी सर्विस टैक्स पे कोई क्लैरिटी नहीं आई है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है जो आने के बाद एक ओवरऑल इम्पैक्ट का पता लगेगा। लेकिन जनरली ये एक्सपेक्टेशन है कि इन द लॉन्ग रन एक टैक्स न्यूट्रल होगा, कुछ बेनिफिट होंगे किस कैटेगरी में और कुछ में नुकसान भी हो सकता है। जी मिस्टर मलिक, एक चीज ये कि कंपनी के लिए कितना टैक्स कंड्यूसिव है, आप कितना टैक्स मानते हैं कि जो आपके लिए सबसे बेहतर होता अगर ये टैक्स हो जाता तो, और दूसरा क्योंकि सर्विस टैक्स आपने बात की है और कंपनी के कुछ कारोबार फूड रिलेटेड या फिर फूड सर्विसेज प्रोवाइड कराने के भी हैं, तो अगर सर्विस टैक्स की दर 18% या 18.5% या उसी के आसपास आती है सेस को मिलाकर, तो वो कितना बड़ा एक सेटबैक हो सकता है कंपनी के लिए? जी देखिए, जहां तक सर्विस टैक्स करेंटली हमारी 15% है और अगर वो 18% हो जाती है तो कुछ एडवर्स इंपैक्ट जरूर होगा, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें एक इनपुट क्रेडिट भी मिलेगा, तो ओवरऑल जो है 18% पे कुछ बहुत अधिक एडवर्स इंपैक्ट नहीं होगा, मोर और लेस हमें एक न्यूट्रैलिटी दिखती है यदि हम इनपुट टैक्स भी ले लें, तो मोर और लेस न्यूट्रल अनुमान हमें दिखाई पड़ता है। जी सर, अभी कुछ और जानकारों से हमारी बातचीत हुई थी, उनका कहना है कि जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर अभी तक टैक्स की क्लैरिटी नहीं है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की कंपनी के पास भी है एक बड़ा पोर्टफोलियो रादर इसका, आप इसे कैसे देख रहे हैं? जी देखिए, जहां तक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का सवाल है, करंट सिस्टम में भी वो एक कंसेशनल रेट पर हैं, तो हम आशा करते हैं कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट एक कंसेशनल रेट पे रहेंगे या एक लोअर स्टैंडर्ड रेट पे रहेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं, और हमें उसकी क्लैरिटी भी शीघ्र ही हो जाएगी, तो उस रेट के हिसाब से अगर हम चलें तो हमें मोर और लेस उसमें कोई एडवर्स इम्पैक्ट दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वो हायर स्लैब्स में आ जाता है तो जरूर उसमें एडवर्स इम्पैक्ट आएगा।
जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर मलिक आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और एक अहम दिन अपना समय हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। डाबर इस बीच करीब 2% ऊपर कामकाज कर रहा है, 5 रुपए की तेजी शेयर में देखने को मिली और क्लियर कट बेनिफिशियरी एफएमसीजी में माना जा रहा है, उसका इंपैक्ट भी है। करीब 300 रुपए के स्तरों के आसपास डाबर शेयर कामकाज करते हुए, क्या कर राय रखते हैं आप गौरांग डाबर के ऊपर? वेल, सिर्फ इस खबर को लेकर के नहीं, हाल ही में मेरे ख्याल से 2 हफ्ते पहले नतीजे आए थे और नतीजे बहुत ही शानदार है। करीबन 100-110 वर्ष से ज़्यादा पुरानी कंपनी है और जो प्रोडक्ट्स है उनमें कंज्यूमर लॉयल्टी है वो बहुत बढ़िया है। आयुर्वेदा और हर्बल प्रोडक्ट्स में जाने का इनकी योजना है, जो भी पतंजलि का प्रतिस्पर्धा उठी है आगे जा करके उसका सामना करने के लिए। और मैं मानता हूँ जैसे जैसे R&D में और सक्षम इनको योगदान मिलेगा और जो भी पूंजी लगाएंगे उसके आधार पर नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे। खरीदारी की राय है, 345 का लक्ष्य बहुत ही कॉन्जर्वेटिव है हमारा, मध्यम से लंबी अवधि की नजरिए से खरीदारी की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। 345 का यहाँ पर लक्ष्य भी निर्धारित करते हुए नजर आ रहे हैं गौरांग। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एक जो सवाल आया था रफीक साहब का जयपुर से वो ले लेते हैं। मानस आपसे जानना चाहेंगे, गीतांजलि जेम्स की उन्होंने बात करी थी, 1000 शेयर थे उनके पास, 80 रुपए के भाव पर उन्होंने खरीदारी की हुई थी, क्या सलाह रखते हैं आप इस पर? देखिए, एक स्मार्ट अप मूव हमें 35 रुपए से लेकर 90 रुपए तक देखने को मिला था पिछले करीब 3-4 मंथ में, बट हायर लेवल्स पे अब ऐसा लगने लगा है कि शायद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा, थोड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा। हालांकि ये जरूर है कि स्टॉक अभी भी 50 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो मैं इनको रिकमेंड करूंगा कि 66 के नीचे अपना स्टॉप लॉस जरूर रखें, बने रहें स्टॉक में, क्योंकि अगर 66 के लेवल ब्रेक होंगे तो स्टॉक करेक्ट होकर 52 तक आएगा, लेकिन अगर वो लेवल ब्रेक नहीं होते और एक साइडवेज मूव देखने को मिलेगा तो फिर, तो अगर 82 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो फिर से हमें वापस करीब 10-12 रुपए का अप मूव देखने को मिलेगा। तो मेरी राय में 66 का स्टॉप लॉस रखें और बने रहें स्टॉक में। ऑलराइट, चलिए इसी बीच कुछ नतीजों पर नजर डाल लेते हैं। टीटी के प्रेस्टीज के नतीजे आए और एक बार देख लेते हैं कि अभी अगर आप देखेंगे तो शेयर हरे निशान में ही कामकाज कर रहा है, 1.5% तक की तेजी से ज्यादा यहां पर देखने को मिल रहे हैं। नतीजे जिस तरीके के रहे वो उन पर भी नजर डाल लेते हैं। प्रॉफिट्स फ्रंट पर अगर आप देखेंगे 4% तक के आसपास का इजाफा रहा है और साथ ही अगर आप टॉप लाइन फ्रंट पर भी देखेंगे एक इंप्रूवमेंट अच्छी देखने को मिली है, 13% का इजाफा यहां पर भी देखने को मिला है। मैनेजमेंट भी हमारे साथ मौजूद है, मिस्टर टीटी जगन्नाथन हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग मिस्टर जगन्नाथन, थैंक्स वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन जी बिजनेस। फर्स्ट अप, वी वुड लाइक टू नो व्हाट हैव बीन द की कंट्रीब्यूटर्स फॉर योर टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन ग्रोथ दिस टाइम, एंड हैज द ग्रोथ बीन सैटिस्फैक्टरी? वेल एक्चुअली द ग्रोथ हैज बीन सैटिस्फैक्टरी, डिलेड एक्चुअली। द फर्स्ट क्वार्टर आवर ग्रोथ वाज ओनली 1.25% टॉप लाइन एंड इवन जुलाई वाज ओनली 2%, ऑगस्ट इंप्रूव्ड टू 10, सितंबर इंप्रूव्ड टू 20, सो थिंग्स आर मूविंग द राइट डायरेक्शन एज़ फार टॉप लाइन इज कंसर्न्ड। As far as bottom line is concerned, for the half year we have maintained our EBITDA margins and we are happy with that. Okay. Sir, another important trigger is GST. Rates has been decided, and as far as your industry is concerned, it's also important for you. How much satisfactory that rates are for you, and how much growth are you expecting after this rate? The whole thing is nobody has told us where we're going to be in those 4 rates. Okay. They've just announced 4 rates. Mm-hmm. That's going to happen over the next 6 months by the Secretary's Committee. But okay. Overall, do you see all the tax slabs that have been discussed in yesterday's meeting, and we've got 4 tax slabs in front of us, 5%, 12%, 18% and 28%. So broadly in this range, we are going to see all the taxes being placed. How do you see these rates? Are they reasonable? Reasonable. There's no question about it. If they mean what they said, that is, if you get back all the taxes paid, then they are reasonable. Right. However, when VAT was introduced, they said it's value-added tax, but it wasn't. You didn't get back all the tax you paid with VAT. With GST, they said that you will. We'll wait and see what the rules are. Right. And do you see consumption improving after GST is implemented, and do you see it getting implemented by the decided timeline? Both questions I can't answer. I'm not an economist and I'm not in government, so I don't know whether it will be implemented on time, and I have no clue what it will do to the economy. All I can say is the economy looks like it's picking up, not because of GST, but because of a lot of fundamental things that happened. The monsoon has been good, there's ORAP, and then there is pay commission, and there's a lot of things like infrastructure and so on. So certainly on the ground, the market is improving. Sir, last question to you. As far as festive demand is concerned, you think this quarter probably is the better quarter comparatively last year? Of course. And how much growth are you expecting out of this? Double digit.
डबल डिजिट ग्रोथ. ओके थैंक्स अटन सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, अपना समय में देने के लिए, नंबर से बातचीत करने के लिए. तो डबल डिजिट की ग्रोथ इस त्योहारी सीजन में आई है और ये त्योहारी सीजन पिछले साल के कंपैरिजन काफी बेहतर है, ऐसा आप कंपनी के मैनेजमेंट से भी सुन रहे थे. टीटीए हालांकि कल एक शार्प रिएक्शन इसमें जरूर देखने को मिला था नंबर्स के बाद, लेकिन आज हरे निशान में है, 2% के आसपास की बढ़त देखने को मिली, 5981 के स्तरों पर शेयर कामकाज कर रहा है. बातचीत करेंगे कुछ और दर्शकों से, लेकिन मानस टीटी के प्रेशर चार्ट कैसे आपको दिख रहे हैं? देखिए टीटी के प्रेस्टीज की अगर बात करें तो हमने एक स्मार्ट अप मूव करीब 4800 से 6500 तक देखा था. कल हमें ज़रूर हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है, बट फिर भी स्टॉक 50 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है. तो मेरा मानना है कि जब तक 5400 के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है तब तक बने रहना चाहिए. हाई लेवल पे एक रेजिस्टेंस अब ज़रूर दिखने लगा है 6300 की रेंज में, और अगर ये लेवल्स ब्रेक होंगे तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी ही जो रीसेंट हाई 6500 के आसपास बने हैं स्टॉक वो ब्रेक करके 6800 और 6900 की रेंज में जा सकता है. ऑलराइट, चलिए टीटी के प्रेस्टीज को लेकर भी यहाँ पर आपको राय दी जा चुकी.